बाड़मेर में लगातार तीसरे दिन भी सुहावने मौसम के साथ बरसात का दौर जारी रहा। मंगलवार को भी कुछ देर आई बरसात ने सड़कों पर पानी पानी कर दिया। कई जगह जलभराव हो गया तो कुछ जगह वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तीन दिन से चल रही बरसात ने शहर की सड़कों की हालत खराब कर रखी है, तो कई जगह बड़े बड़े गड्ढे होने से उस रास्ते से निकलना भी दूभर हो गया है। बाड़मेर में लगातार बरस रही मेघमल्हार के बाद मौसम बहुत सुहावना हो गया और इस सुहाने मौसम में तापमान में भारी गिरावट के चलते लोगों को काफी खुशनुमा एहसास हो रहा है। लेकिन ये खुशनुमा माहौल उनके घरों से बाहर निकलने के बाद जलभराव के हालातों के चलते उन्हें परेशानी में डाल रहा है। पिछले चार दिन से लगातार जारी बरसात के चलते कई जगहों पर जलभराव के हालात हो गए हैं। सड़कों पर जगह जगह पड़े गड्ढों की वजह से राहगीरों को न केवल भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही कई जगहों पर सड़कों पर वाहन पलटने से लोग चोटिल हो रहे हैं। बाड़मेर शहर में नगर परिषद क्षेत्र में शहर की मुख्य सड़कों के अलावा कई गली मोहल्लों में जलभराव के हालात हैं, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाड़मेर नगर परिषद क्षेत्र में कई मुख्य कॉलोनियां और इलाकों के साथ मुख्य मार्गों पर जल जमाव लोगों को हैरान परेशान किए हुए है। वहीं दूसरी तरफ जिले भर में मौसम का बदला मिजाज लगातार जारी है। इसी बीच मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश की चेतावनी के बाद मंगलवार को बाड़मेर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी विश्नोई ने पत्र जारी कर प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आमजन से पानी बहाव एवं भराव वाले इलाकों से दूर रहने का अनुरोध करते हुए विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओपी विश्नोई ने बताया कि बाड़मेर जिले में आगामी 48 घंटे में मौसम विभाग की ओर से भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए अलर्ट घोषित किया गया है। मौसम विभाग की भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर जिले के समस्त अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आमजन से जलभराव वाले इलाकों के साथ नदी नालों और रपट वाले स्थानों से दूर रहने एवं सावधानी बरतने की अपील की है।